नमस्कार पत्रिका टीवी के खास प्रोग्राम शी लीड्स पब्लिशर में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके साथ एक नई शख्सियत, नए मेहमान को लेकर। आज की जो हमारी मेहमान है ये है शालिनी भार्गव जी। शालिनी जी के बारे में आपको बता दें कि ये डांसर है, फोक और क्लासिकल डांस करती है, काफी लंबे समय से डांस से जुड़ी हुई है और यूट्यूब का इनका अपना खुद का चैनल भी है और ये काफी रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट कर चुकी है और जीत भी चुकी है। खास मुलाकात करेंगे शालिनी जी के साथ। मैम बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने टाइम दिया, अपने घर हमें बुलाया उसके लिए। नहीं नहीं, इज्जत नवाजी के लिए शुक्रिया, आप लोग आए। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग आए यहाँ पर। मैम आपका जो डांस का सफर था जी, शुरुआत आपकी कैसे हुई? शुरुआत बेसिकली मैं बताऊं तो मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं एमपी की हूँ। मैं बचपन से ही 9th-10th में थी जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद मैंने अपना डांसिंग करियर वहां से शुरू किया, कथक सीखा। मम्मी ने स्ट्रगल किया काफी, फिर छोटी छोटी चीजों के लिए बड़ा दिक्कत आती थी तो मैंने अपने डांस को क्लासेस में चला चला के हमने अर्न किया, हमने अपनी पढ़ाई उसी से की पूरा। फिर मैं चली गई लखनऊ, लखनऊ में वहां पर डांस सीखा मैंने। फिर उसके बाद मैंने वहां पर बीबीए किया, फिर वापस आई, फिर अपने कटनी वापस आके बीकॉम किया मैंने वहां से। तो काफी स्ट्रगल करते 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 आज यहाँ पर। और जब मैं यहाँ पर आई तो मैं ये सोचती थी, जयपुर में आने के बाद शादी हुई मेरी, कि हाँ मुझे कोई नहीं जानता, मुझे कोई पहचानता नहीं, मैं सोचती रहती थी। फिर एक दिन पता नहीं कैसे दिमाग में आया कि नहीं कुछ करना चाहिए, जीवन ऐसे खाली नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे फिर डांस का शुरू किया सफर, सीखा, फिर किसी ने मुझे देखा, फिर उन्होंने बुलाया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी ऐसे करके। आपने जो बोला था कि संघर्ष रहा, स्ट्रगल आपने जो किया, उसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप बताएं किस तरह की परेशानी आपने उस वक्त झेली। फादर आपने जैसे बताई थी, फादर नहीं रहे थे आपके। हाँ, फादर नहीं थे तो मैं और मेरी मम्मा, मेरी बहन, मेरा भाई और मेरे चाचा, वो ही थे साथ में। तो वो मेरे घर में इतनी तंगी आ गई थी कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था, खाने पीने को नहीं रहता था। हम सोते थे तो ऊपर से पानी हमारी खटिया में जाता था, हम एक टाइम खाना खा के रह जाते थे। हम मेरी और मेरी बहन के पास सिर्फ एक दो ही जोड़े कपड़े रहते थे तो हम वो एक्सचेंज करके, हम कहीं जाते नहीं थे ये सोच के कि हमें कपड़े पहनने पड़ेंगे दूसरे। ऐसा सफर गुजारा है हमने, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतों का। मेरी शादी हुई तब भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, मतलब बहुत कठिनाइयों से शादी हुई। पैसे नहीं थे घर में शादी के समय, जिस दिन हमको जयपुर आना था पैसे नहीं थे। पता नहीं कैसे बिहारी जी ने किया कुछ चमत्कार कि मेरे चाचा पैसे लाए, उनको कहाँ से मिला पता नहीं, वो बोले ले तेरे भाग्य का आ गया पैसा। फिर हम यहाँ आके शादी हुई मेरी। मैम इतना स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहा तो टर्निंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो लाइफ का टर्निंग पॉइंट आपका कौन सा था? टर्निंग पॉइंट मेरा ये था कि क्लासेस पास में थी एक, उनके यहाँ मैंने जाके सीखा। उन्होंने बोला कि आप डांस अच्छा करती हैं, चलिए मैं आपको किसी और एक चैनल से, उनके पास आया था तो वहां कंपटीशन था, तो उन्होंने बोला आप उसमें क्यों नहीं ट्राई करती। तो मैंने कहा मैं इतनी मोटी हूं, मैं नहीं कर सकती। तो बोले नहीं, आप एक बार करके तो देखो। ट्राई किया, वहां पर कॉम्पिटिशन था, हमने किया वहां पर। बाय लक मैं वहां उस चैनल में फर्स्ट आ गई। फिर उसके बाद से तो टर्निंग पॉइंट चालू, उन्होंने बुलाया, फिर किसी ने बुलाया, गनगौर थीम के लिए बुलाया, ऐसे शूटिंग हुई टीवी चैनलों में, एल्बम्स में। फिर वो तो आपने एक्टिंग भी की है क्या या डांस? बस डांस, एक्टिंग में तो मैं नहीं उतरी, मैं एक्टिंग में नहीं उतरी। मैंने फिर उसके बाद मदर स्पेशल बूगी बूगी आया था जी, सब जानते हैं, उसमें मैंने जीता मदर स्पेशल। डांस का एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा शो था बोगी 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 बोगी, उसका एक्सपीरियंस आपका क्या रहा, किस तरह से आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। खून के आंसू पिए थे मैंने। ऐसा क्यों? क्यों खून के आंसू पिए थे मैंने? मेरे हस्बैंड का उस समय ही एक्सीडेंट हुआ था, उसके 4 महीने बाद ही ये था। मेरे पास कॉल आया कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोई भी, मतलब ऐसे आया था। तो फिर मैं और मेरा भाई गए वहां पर, हमने ऑडिशन दिया। मैं बहुत डरी हुई थी, मैं नहीं कर सकती, मैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। उसने बोला नहीं तुम एक बार ट्राई तो करो दीदी, आप ट्राई करो। मैंने कहा ठीक है, मैंने ट्राई किया। उन्होंने कॉल वापस मेरे को किया, मैं मेरे पापा मम्मी के सामने ऐसे बैठ गई कि क्या करूं, मेरा तो ऐसा सिलेक्शन हो गया, वहां से कॉल आ गया, अब क्या करूं। फिर उन्होंने ही मेरे को बोला कि तुम जाओ, क्योंकि मेरी बेटी 1.5-2 साल की थी। फिर उन्होंने ही रखा पापा मम्मी ने, मैं मेरे हस्बैंड के साथ गई। वहां पर गए, उन्होंने मना कर दिया मुझे चैनल वालों ने कि
हम शूटिंग नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी हमारे पास कोई सेलिब्रिटी नहीं आ रही है। हमने रवि बेल, फिर हमने इतनी मुश्किल की, ना उन्होंने हमें कोई एकोमोडेशन दिया, ना कोई रहने का, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ हमने अपने दम पे किया जो करना था। फिर रवि बहल, जावेद जाफरी आए हमारे पास, उन्होंने बोला कि मैडम अगर हम रवि शास्त्री को बुला रहे हैं, कोई और नहीं आ रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है, या हम कैंसिल कर दे। तो हमने कहा कैंसिल मत करिए, जो आ रहे हैं हम उनके सामने कर लेंगे। फिर हमने वहां शूटिंग की, फिर बस वहां पर मदर्स थी, मैं सबसे छोटी वहां पर थी। जावेद जाफरी बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे कि मैं मदर हूँ। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे कि मैं मदर हूँ, क्योंकि मैं यंग दिख रही थी बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना, जैसे तैसे फिर उनको मैंने यकीन दिलाया कि भाई मैं मैरिड हूँ, मेरी बच्ची है, मैं मदर हूँ, तब जाके फिर उन्होंने माना और फिर उसके बाद मैंने जीता। कितने साल पुरानी बात है ये? 2004 की बात है ये। 2004 में मैं गई थी और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मेरा यहाँ लाइव टेलीकास्ट हो गया टीवी में। अच्छा। मैं गोविंद देव जी में परफॉर्मेंस कर रही थी, मेरे पास फोन पे फोन आए, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं इतना रोई हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा आ गया और मैं टीवी में देख ही नहीं पाई। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे कोई प्राइज नहीं दिया, मुझे सिर्फ एक मेरे पास सर्टिफिकेट है बुगी बुगी का, बस और कुछ नहीं। कोई मानेगा नहीं, एक बस प्राइज लेते हुए मेरी फोटो है जावेद जाफरी और नावेद जी के साथ, बस ये है। क्योंकि उन्होंने मेरे से फोटो खिंचवाने के बाद प्राइज ले लिया और बोला कि आपको हम बाहर हम भेज देंगे जयपुर। वो प्राइज आपको आज तक नहीं मिल पाया? मतलब चैनल्स में इस तरह की भी होती है बहुत ज्यादा। उन्होंने मेरे को इतने गिफ्ट वाउचर थे, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट थे। उसके बाद आपने और भी रियलिटी शोज़? मैंने फिर उसके बाद मैं एक पूना गई थी, इंटरनेशनल लेवल पे डांस कॉम्पिटिशन था अपनी टीम को लेके। फिर वहां मुझे IGT से कॉल आया था, इंडियाज गॉट टैलेंट से। फिर मैं वहां गई थी, वहां मैंने सेमीफाइनल तक किया, उसके बाद फिर नहीं समझ में आया उन्हें तो मैं बाहर हो गई थी। लेकिन हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं उस स्टेज पे पहुंची हूँ। मैंने चरी किया था वहां पर आग जला के, और उसके बाद तो काफी एल्बम्स में बहुत किया, यहाँ राजस्थान के एल्बम्स में बहुत किया। वे पर एक मैम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं आपसे जो एल्बम्स है उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगी। तो शीलीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी शालिनी जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए पत्रकार टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शीलीड फैमिली शो, हम बात करें शालिनी जी से। ब्रेक से पहले आप मुझे बता रहे थे कि काफी सारे अपने एल्बम्स भी किए राजस्थानी जी, उनके बारे में थोड़ा बताइए, शुरुआत कब हुई आपके इन सब की? मेरी शुरुआत एज सच तो मुझे देखिए कोई जानता नहीं था जी। आप जानते हो एक बड़े शहर में आके अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चढ़ रही थी। मेरे पास कॉल आया, मेरे मामा PNB में है, उनके पास किसी का कॉल आया था कि मुझे एक आर्टिस्ट की जरूरत है कुएं पर एकली जी एल्बम उसके लिए। तो फिर उन्होंने बुलाया मुझे, मैं गई सुबह से लेके रात तक अपनी बच्ची को लेके वहां शूटिंग करना। इतना पैथेंटिक था, बारिश हो रही है, सब हो रहा है, कुएं पर एकली में किया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये जगह सही नहीं है, कि आप बैठे हो कोई मतलब नहीं है, खाना आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई आपकी पूछ नहीं है, कोई भी पूछ नहीं, बस आपने आप करते जा रहे हो शूटिंग, करते जा रहे हो, कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, आप ये ऐसा नहीं करो, आप ऐसा। उसी चीज को किया, घूमर भी किया बाहर जा के, बहुत एक गांव में किया शूटिंग, एल्बम का था, घूमर ही था शायद वो। तो उस दौरान इतना ज्यादा मेरे साथ हुआ कि हम गए, आप कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली बात, नहीं था, कमाना था, घर चलाना था, तो करना तो था ही। धीरे धीरे करके वहां भी गई, वहां उन्होंने मुझे बोला डायरेक्टर ने कि आप पल्ला उतार के डांस करो, तो पूरा गांव आ गया, इतना डिस्टर्ब हुए। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये चीज नहीं, हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच के ये चीज नहीं कर सकते। फिर मैंने वो लाइन वहां खत्म करी। मेरा अगला सवाल यही था कि बीइंग अ लेडी आपको कभी कोई फीमेल इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? मुझे लगता है आपने काफी कुछ बता दिया मुझे, कुछ और बहुत फेस तो बहुत की मैंने, पर मेरे साथ मेरी फैमिली थी, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, तो मेरे को इतना नहीं फर्क पड़ा। लेकिन हाँ, काफी हद तक ये चीजें जो मैंने आपको बताई, ये आप शूटिंग में अकेले आया करो, आप अपने हस्बैंड को मत लाया करो, आप मीटिंग्स में जाते हो तो आप अपने हस्बैंड को, आप प्रोफेशनल, आप कहीं प्रोग्राम के लिए जाते हो, आप अपने बच्चों को मत लाया करो, तो
बहुत काफी हद तक फेस किया मैंने ये सारी चीजें। आप क्लासेस भी लेती हैं बच्चों की? मैं क्लासेस लेती हूँ बच्चों। किस तरह का आपको, मैं डांस का स्टाइल कौन सा है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये था, मैंने आपसे पूछा ही नहीं अभी तक, किस किस तरह का डांस आप? मैं बेसिकली फोक करती हूँ। ओके, आपको मजेदारी बात ये बताऊं कि मैं यहाँ की हूँ ही नहीं जी, मैं राजस्थान की हूँ ही, मैं एमपी से हूँ। हाँ जी, मेरे खून में मेरी माँ का रग रग में कहते हैं ना संस्कृति बसी हुई थी, तो वो राजस्थानी में वहां करती थी, मेरे एमपी में वहां करती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर मुझे इसी चीज में बुला रहा है। आज के टाइम पे आप देखोगे तो एक नुपुर का नाम बहुत फेमस हो चुका है जी, सिर्फ राजस्थानी कल्चर को लेके, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ये संस्कृति आगे बढ़ाऊं। तो मैंने उसमें क्या, मैंने सीखा, मैंने कालबेलिया सीखा, मैंने घूमर सीखा, मैंने चरी सीखा, मैंने गैर, मैंने सारी चीजें सीखी, मैंने किसी चीज में वो नहीं किया। आज मैं अपने पूरे एक सीक्वेंस में, डेढ़ घंटे के प्रोग्राम में पूरा राजस्थान दिखा देती हूँ जी, और मैंने कथक सीखा हुआ है। हाँ जी, तो बेसिकली मेरा फुटेज क्लासिक थी। गुरु आपके कौन है, उनके बारे में आप थोड़ा बताओ। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे गुरु जी थे बहुत पुराने, वो तो उनको तो यहाँ कोई जानता नहीं है। हाँ जी, हाँ, जयपुर में आने के बाद मैंने फोक मारू, संतोष मारू जी से सीखा, मैंने कृष्ण लीला और ये सब मेरे पंडित अविनाश शर्मा जी से सीखा, और एक गुरु हैं मेरे शंकर गुरु जी, प्रवीण शंकर राव जी, उनसे भी सीखा। तो ऐसे आप इतनी सारी परफॉर्मेंस भी देती हैं मंच पर, आप जाती हैं, आपके प्रोग्राम्स इतने सारे होते हैं, सबसे ज्यादा आपको किस तरह का डांस परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब कौन सा है? इतने हर तरह से डांस किया हुआ, क्लासिकल, क्लासिकल पहला मैं क्लासिकल को दूंगी और फिर उसके बाद फोक, मेरा फोक में है। कुछ खास तैयारी करनी पड़ती है मैम पहले से, कुछ खास तैयारी है जब आप परफॉर्म करने जाते हैं? हाँ, फोक में जैसे नीड होती है, जैसे आपने अंबेडकर जयंती का सुना होगा, मतलब अंबेडकर जयंती में जैसे होता है बहुत बड़ा मंच होता है, उसमें फोक और वेस्टर्न, सेमी वेस्टर्न मतलब बोलो, जैसे अब सेमी क्लासिकल बोल लो जी, वो मिक्स करके होता है, तो उसके लिए रात रात भर तैयारी होती है, किसको कहाँ से आना है, क्या किसकी एंट्री होगी, क्या कैसा डांस होगा, तो वो तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ती है लेवल से। और क्लासिकल में तो आप जानते हो कि तैयारी तो एक अच्छी तैयारी करके ही आप स्टेज पे उतरोगे, तो एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन सामने आएगी। टाइम, जैसे आपकी फैमिली भी है, आपने कहा स्ट्रगल काफी सारा रहा, कभी बच्चों को कुछ ऐसा हुआ कि मम्मी इतना टाइम नहीं दे पा रही है हमें, बच्चों की तरफ से ऐसी कोई चीज आती है आपको? सबसे अच्छा क्वेश्चन किया आपने मेरे साथ, मेरे बच्चे सबसे ज्यादा सफर किए इस मेरे फील्ड में, इस मेरे जितना बड़ा ये चला है मेरा स्ट्रगल अभी तक का, इसमें मेरे सबसे ज्यादा बच्चे स्ट्रगल किए हैं। मैं छोड़ छोड़ के जाती थी, मैं आती थी, मैं खाना बनाती थी उन लोग के लिए, मैं छोटी सी थी मेरी बेटी तो उसको आते ही, मैं स्कूल से आते ही मालिश करती थी, दूध पिलाती थी, तो बहुत ज्यादा मेरे बच्चों ने स्ट्रगल किया है। लोगों ने बोला भी है कि नाचने जाती है तुम्हारी माँ, तो ऐसी चीजें इतनी मेरे सामने आई हैं। पर हाँ, मेरे बच्चे, भगवान ने दो लड़कियां दी हैं मुझे, लड़का नहीं, क्या पता लड़का देता तो क्या होता, लेकिन लड़कियां दी हैं, दोनों समझदार हैं, समझ जाती हैं। आप पाई से भी जुड़ी हुई हैं पत्रिका जी, इससे जुड़ाव आपका कब हुआ, कितना समय हो गया आपको? मेरा जुड़ाव 3 साल हो गया, ये थर्ड ईयर होगा जी की बार जी। ये भी मुझे, मेरे को किसी के थ्रू एलडी सर थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि मैं, बेसिकली इतना बड़ा नाम नहीं था 3 साल पहले भी, मतलब इतना मेरा नहीं था कि हाँ, जैसे अनीता दीदी शायद जुड़ी हुई थी, उनसे और भी कोई जुड़े हुए थे, तो मेरा इतना नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला, बस यही बात बोली कि मैम मैं आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ जी, मैं नहीं ज्यादा जानता आपको, लेकिन मैं विश्वास करूं। मैंने कहा आप मेरे पर विश्वास करके बस एक बार देखिए, उसके बाद आप खुद कहेंगे कि शाली मैम आपने जो किया वो बहुत अच्छा था जी। फर्स्ट ईयर मैंने किया, उसके बाद तो शायद जितने फॉर्म्स होंगे, मैं बोल रही हूँ, मैं बोलना नहीं चाहिए, आप लोग खुद पूछ लीजिएगा, जितने फॉर्म्स थे उसमें सबसे ज्यादा फॉर्म अच्छा फोक डांस में ही था, सबसे ज्यादा जितना। नुपुर आपने शुरू किया, यूट्यूब का आपका चैनल है, ये क्यों सोचा आपने कि आपको यूट्यूब पे भी आना चाहिए? नुपुर नाम शुरू से ही मैं अपने इस गेट के आगे से यही सोचती थी, सबको देखती हूँ कि कोई मुझे पहचानता नहीं है, एक मेरी पहचान होनी चाहिए। फिर पता नहीं दिमाग में कैसे आया नुपुर नाम रखा, नुपुर मतलब घुंघरू जी, उसका नाम रखा मैंने अपने फोक डांस का, फिर वो फोक डांस को आके लेके गई। नुपुर के
से इतना मुझे बेनिफिट हुआ है कि आज हाँ यूट्यूब में मैंने इसलिए भी डाला कि हाँ लोगों को फोक डांस अगर हम भी कोई चीज देखते तो उनको लगता है कि हम ये देख के सीखें, तो मैंने भी इसलिए डाला कि सब देखें कि हाँ राजस्थानी कल्चर क्या है। जी बिल्कुल। ये फ्यूचर प्लान्स क्या सोचा है आगे के लिए, क्या सोचा है? फ्यूचर प्लान्स मेरे बस यही है कि मैं बस जैसा भी है अपनी आत्मा से अपने नृत्य कला को आगे लेके जाऊं, ये राजस्थानी कल्चर को कि लोग पहचाने। मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि हाँ मेरी एक पहचान ऐसी बने कि एक बहुत साफ सुथरी पहचान बने कि हाँ ये डांसर है, इन्होंने इतना मेहनत करके आगे बनी तो इनको कुछ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैम मुझे लगता है एक छोटा सा ब्रेक और ले लेना चाहिए, और ब्रेक के बाद मैं चाहूंगी आपकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनसे भी हम थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। तो शीलीट फैमिली शो में फिलहाल एक और छोटे तो शीलीट फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी शालिनी जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे पत्रकार टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शीलीट फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं शालिनी जी से। यहाँ पे अभी हमारे साथ शालिनी जी का पूरा परिवार भी है, तो मैं चाहूंगी सबसे पहले हम बात करते हैं शालिनी जी की मदर इन लॉ मधु जी हमारे साथ है, उनसे थोड़ा सा उनकी बहू के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैम आप मुझे बताइए शालिनी जी के बारे में, कैसी बहू है ये? अच्छी बहू है जी, क्योंकि डांस का इसको मतलब शौक है, तो हमने भी इसको मतलब प्रोत्साहन दिया कि भाई ये करे आगे और बढ़े। पहले ब्लू हेवन में टीचर थी ये, फिर कैम्ब्रिज कोट की है, तिलक पब्लिक में करा, और अब ये अपना खुद का प्रोग्राम करती है जगह जगह। आंटी भाई ये इतने बिजी रहते होंगे, परफॉर्मेंस करने जाते हैं, सब कुछ करने जाती हैं, फिर घर भी संभालना होता होगा, घर संभाल पाती हैं सब चीजों के साथ साथ? संभाल लेती हैं जी, क्योंकि मैं रहती हूँ, बच्चे मेरे पास रहते हैं। हाँ जी। इसको जाना होता है तो ये चली जाती है जी। तो दोनों संभाल लेते हैं हम। कभी ऐसा होता है सास बहू वाली किट-किट पिट-पिट जैसे टीवी सीरियल में दिखाते हैं, अभी आप लोगों के बीच में भी होती है कभी कभी छोटी मोटी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच में, होती है हमारे बीच में, मैं बताऊं हमारे बीच में होती है, बहुत खास नहीं लेकिन ऐसी होती है कि आधा घंटे बाद ये मुझे बोल लेंगी, मैं इनसे बोलूंगी, ऐसी। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी, इनके सपोर्ट के अलावा मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये मेरी मम्मा, हमारी इसके पीछे भी एक कहानी है, मेरी मम्मी और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड रही हैं। अच्छा। और उन्होंने मेरे को ये, इन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है, इनकी भी स्टेप मदर थी, इन्होंने भी कभी प्यार नहीं देखा था, तो मेरी मम्मा ने मेरे को यही बोल के भेजा था कि बेटा ये तेरी माँ है, सास मत समझना और इनको हमेशा खुश रखना। तो वही सोच मैं लेकर आई थी, और आज तक ये है कि अगर मैं बोल देती हूँ तो ये वो काम हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हर घर में होता है सास बहू का, लेकिन ये मेरी मतलब मेरी माँ से भी बढ़कर मेरी माँ है। अब हमारे साथ यहाँ पर शालिनी जी के हस्बैंड भी बैठे हैं और उनके फादर इन लॉ भी हैं, तो हम उन दोनों से भी थोड़ा सा बात करते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगी शालिनी जी के फादर इन लॉ से बात करने की, बात करती हूँ मैं। सर आपका नाम बताइए सर मुझे सबसे पहले। मेरा नाम सीताराम भार्गव। सर शालिनी जी को आप लोग जब लड़की देखने के लिए गए थे अपने बेटे के लिए, तो मैं क्या चीज ऐसी थी जो आपको बहुत अच्छी लगी और आपने इनको पसंद किया? एक्चुअली क्या है कि ये हम मकान में जहाँ रहते थे तो वहाँ इसने मेरे को कहा कल के पापा एक बात है कि मैं गरीब फैमिली से हूँ तो आप देख लो। मैंने कहा मेरे को एक बात है, मैंने ये तो सवाल तुमसे किया ही नहीं कि तुम गरीब हो एक तुम पसंद हो बस जी। ये वाली बात। अगर क्या था, क्या चीज ऐसी थी इनकी जो आपको बहुत अच्छी लगी और आपको लगा कि ये आपके घर की बहू बन सकती है? मतलब मेरे को लगा ये बिल्कुल जो भी बोलती हैं बिल्कुल फ्रेंकली बोलती हैं और सच बोलती हैं, तो इम्प्रेसिव वॉइस होती है जी, इनकी जी, जी। कोई शिकायत है आपको इनसे किसी तरह की है? शादी इतने साल हो गए इनकी शादी को, बहू से अपनी बहू से किसी तरह की कोई शिकायत है आपको? नहीं मेरे को कोई शिकायत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं इनको बहू की तरह नहीं बेटी की तरह रखता हूँ, क्योंकि अब आज की तारीख में मेरे को एक बहन थी वो खत्म हो गई, तो बस ये बेटी की तरह ही मानता हूँ मैं इसको। बहुत अच्छी बात है अंकल, मुझे लगता है आपके जैसे सास ससुर अगर हर घर में हो तो बहू की कभी वो जी, जी 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 बिल्कुल बेटे हैं मेरे चार। हाँ जी, तो चारों अच्छी जगह हैं, मतलब बेटी आपकी नहीं है? नहीं, तो यही आपकी बेटी है? हाँ बहुएं मेरी बेटी है जी जी, चार बहुएं हैं, चारों अच्छी हैं। मुझे लगता है ऐसी मानसिकता जो है वो बहुत हर फैमिली में हर परिवार में नहीं होती है, नहीं मिलती बिल्कुल बिल्कुल।
अब मैं बात करूंगी शालिनी जी के हस्बैंड भी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा शालिनी जी के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे उनकी छोटी मोटी तकरार अगर होती है तो कौन मनाता है, कौन रूठता है वगैरह वगैरह। सर आपका नाम बताइए। मनीष भार्गव। मनीष जी कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 20 साल हो गए। 20 साल हो चुके हैं। सर इन 20 सालों में की अगर मैं बात करूं तो कभी आप लोगों में झगड़ा वगड़ा तो होता ही, हर घर में होता है पति पत्नी के बीच में। हाँ, आप दोनों के बीच में भी होता है लेकिन 10 मिनट का होता है। सर इस 10 मिनट इस 10 मिनट के झगड़े की जो शुरुआत कौन करता है, आपकी तरफ से होती है इनकी तरफ से होती है? कभी मेरी गलती से कभी उनकी गलती से। सर अगर गलती आपकी होती है तो मनाता कौन है? गलती मेरी होती है तो मनाता मैं ही हूँ। हाँ। और उनकी गलती होती है तो भी मैं ही मनाता हूँ। जी, 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 जी। सर इनके और डांस तो इनका शौक है, डांस तो पैशन है एक तरह। पैशन है बिल्कुल। इसके अलावा इनके और क्या शौक है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। इनके शौक घर को सजाना संवारना मेंटेन करना और बाकी डांस तो है ही है। जी जी बिल्कुल। अब सर मैं कुछ दो तीन सवाल ऐसे पूछूंगी, मैं जानना चाह रही हूँ कितना आप इनको अच्छी तरह से पहचानते हैं। शादी मैरिज एनिवर्सरी की डेट बताइए। मैरिज एनिवर्सरी की डेट नहीं गलत बताइए आप। 7 फरवरी 1999। जी ओके। बर्थडे कब आता है इनका? 24th मार्च। खाने में फेवरेट फूड क्या है? दाल चावल। फेवरेट कलर? ब्लू। ये तो हमने अपना बता दिया। देखा उधर से आगे शिकायत, मतलब लेडीज को ब्लू कलर तुम्हारा फेवरेट है? मेरा नहीं है फेवरेट, बिकॉज़ कलर फेवरेट है। जबरदस्ती बात नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, छोटी मोटी गड़बड़ होती रहनी चाहिए। मुझे लगता है शो खत्म होने के बाद आप क्लास लेने वाली हैं इनकी। नहीं ऐसे एक्चुअली क्या है कि गुस्सा इनको बहुत आता था पहले एक्सीडेंट के बाद से, आप देख रहे होगे उनके मार्क है वहां पर, उसके बाद से काफी बदल चुके हैं ये। अब ये इतनी इनकी, वरना हमारे घर में सबसे ज्यादा एक्टिव ये थे सबसे ज्यादा, लेकिन अब एक्सीडेंट के बाद से बहुत ज्यादा कमजोर, 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं, काफी चीजें फेस हुई हैं, तो इस वजह से गुस्सा इनका बहुत ज्यादा था, पर अब ये शांत हो गए हैं, मेरा गुस्सा बढ़ गया। अब मैम ये जो सवाल मैंने सर से पूछे थे यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी। बर्थडे कब आता था इनका? 10 दिसंबर 1971। फेवरेट फूड क्या है इनका? फेवरेट फूड जो भी मसाले वाला बना दो कुछ अच्छा, लहसुन की चटनी हो उसमें तड़का होना चाहिए, तो सारे ही फूड अच्छे हैं। फेवरेट कलर कौन सा है? इनका ब्लू है। फेवरेट टाइम पास? पिक्चर देखना और सोना। आपको आखिरी बार पिक्चर दिखाने के लिए कब लेके गए? ये अभी रिसेंटली 1.5-2 महीने पहले गए हम। मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, काम की वजह से टाइम नहीं मिल पाता, तो बस यही है कि बच्चों को, छोटी वाली बेटी और बड़ी वाली बेटी है, वो होटल मैनेजमेंट में बड़ी वाली है, हाँ तो वो कुकिंग करती है, तो टाइम पास वहां हो जाता है इन बच्चों का। मेरे लिए टाइम पास भगवान की पूजा, बिहारी जी का दर्शन, कहीं भी जाओ तो मंदिर चलो कहीं चलो बस ये। ओके मैं चाह रही हूँ मैम आपकी दोनों बेटियां हैं उनसे भी हम थोड़ी सी बातचीत कर लें। जी बिल्कुल। यहाँ हमारे साथ शालिनी जी की दोनों बेटियां भी मौजूद है, उनसे भी हम थोड़ा सा शालिनी जी के बारे में जानेंगे और बेटियों से पूछने की कोशिश करेंगे, उगलवाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह वो बता सके उनको अपनी मम्मी से कोई शिकायत है, कोई शिकवा शिकायत है, या मम्मी से कितना प्यार वो करती है। नाम बताइए आपका सबसे पहले। मेरा ज्ञाना भार्गव है। ज्ञाना क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं अभी 7th में आई हूँ। 7th स्टैंडर्ड में आप? आपकी मम्मी डांसर है, आपको भी डांस का शौक है? बहुत। आपको लगता है आपको भी बड़े होकर डांसर बनना है मम्मी की तरह? हाँ। आप परफॉर्म करने जाती हैं? अभी स्टार्ट किया है मैं मम्मी की तरह? हाँ। मैं भी कथक केंद्र भी जाती हूँ, मेरी कथक क्लासेस चल रही है, 3rd ईयर में हूँ, अब 4th में आऊंगी। अच्छा ज्ञाना आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, बहुत छोटे हैं आप, स्कूल का होमवर्क वगैरह भी आपको मिलता होगा, तो वो आप कौन, आप खुद करती हैं मम्मी करवाती हैं, कैसे होता है सारा? मैं खुद करती हूँ और जो नहीं समझ में आता वो मैं मेरी बड़ी सिस्टर से समझ लेती हूँ। मम्मी के पास टाइम कब मिलता है? शिकायत है मम्मी से कोई? नहीं। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है? नहीं। अभी देखो मौका है, अगर कुछ है तो भी बोल सकती हो। नहीं, मम्मी पूरी कर लेंगी। ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी बहुत है। नहीं नहीं है, नहीं है। चलो ठीक है, हम बड़े सिस्टर ही हम बैठे, उनसे भी पूछना है, थोड़ा सा पूछता है। आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सताक्षी भार्गव है। सताक्षी आप क्या कर रहे हैं? मैं होटल मैनेजमेंट कर रही हूँ, 1st ईयर मेरा, 2nd सेमेस्टर खत्म होने वाला है। मैं 2nd ईयर में जुलाई के बाद
एंटर करूंगी। एंटर करेंगे आप। आपकी मम्मी डांसर है, सेम सवाल था मेरा जो आपकी सिस्टर से मैंने किया था, आपको डांस वगैरह में कोई इंटरेस्ट है? पहले करती थी मम्मा के साथ, लेकिन अब नहीं करती हूँ। हाँ। मेरे एक्सीडेंट के बाद नहीं हो पाता है मुझसे जी, जी। और कॉलेज में भी इतना टाइम निकल जाता है तो नहीं हो पाता है। पहले करती थी इनके साथ प्रोग्राम्स में, गोविंद देव जी में। हाँ। पहले करती थी। फ्यूचर प्लान क्या है, आपको क्या करना है बड़ा होके? फ्यूचर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स आप कर रहे हैं, उधर मत देखिए, बता दीजिए। मेरा सबसे बड़ा ड्रीम ये है कि मैं शेफ बनूं और मम्मा को बहुत अच्छा घर दूं और बहुत अच्छी लाइफ दूं आगे। तो ये तो बहुत अच्छी चीज थी, तो बताने से पहले इतना हिचकिचा क्यों रहे थे, क्यों मम्मी की तरफ देख रहे थे? मम्मी को पसंद नहीं आपका शेफ बना या कोई और रीजन है? वो बात नहीं है, बस मैं इनको ये देख रही थी वो अपने आंसू बहाना ना चालू कर दे। हाँ, आपकी मम्मी इमोशनल है जी। ओके, मम्मी से कभी कुछ कहना चाहती है मम्मी से आप, आज ऐसा कोई वर्ड, कुछ ऐसा सेंटेंस जो आपको लगता है आपको कहना चाहिए, आपकी जो फीलिंग्स है मम्मी के लिए? ऐसा तो कुछ खास है नहीं, बट ये मम्मा से पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छी हैं। मैं हर बात इनको अपनी सारी शेयर करती हूँ, छोटी से लेके बड़ी बात इनसे शेयर करती हूँ, तो कोई शिकायत नहीं है। मैं बस खुश हूँ कि मेरी मम्मा इतनी ऊंचे पद पर हैं। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, प्राउड फील करती हैं आप अपनी मम्मी के लिए। मैम, समय का तकाजा है, टाइम का प्रोग्राम हमारा जो है उसका जी। मैं चलते चलते आपसे मैं जाना चाह रही, जिस तरह से आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया है, मदद की है, हर तरह से, हर घर में आज भी इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती जी, बिल्कुल। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज बस ये दूंगी कि अगर आपको अपने आप में बिलीव है तो सबको आप अपने साथ लेके चलो, कहीं ना कहीं आपके साथ भगवान होता है, कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई आपको सामने जरूर तरक्की दिलाएगी। कभी भी किसी चीज के लिए डरना नहीं है, सोचा है तो करना है, और भगवान भी यही कहते हैं अगर अपनी आपकी मदद करोगे तो दुनिया जहां कोई नहीं रोक सकता आपको, बिल्कुल आगे बढ़ने में शिद्दत से के साथ अगर हम सारा काम करें तो बिल्कुल मेहनत और स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है और सबको स्ट्रगल करना होता है। विदाउट स्ट्रगल आज चिड़िया भी दाना नहीं चुग सकती अपने आप। तो बेसिकली यही है कि आप स्ट्रगल करो, आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। थैंक यू। और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से अपना काम आगे बढ़ाती रहे और नई नई ऊंचाई। आप सबकी गुड विशेस चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए। शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू मैम। तो ये थी पत्रिका टीवी के शी लीड फैमिली शो में शालिनी जी और उनका पूरा परिवार। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।